नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आत्रेयी विश्वास रॉय। आपने राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की नई फिल्म बधाई दो की ट्रेलर देखी क्या? अगर देख ली तो आई एम श्योर कि फिल्म की टॉपिक ने आपका ध्यान जरूर खींच लिया होगा। पर स्टोरी लाइन के अलावा इस फिल्म में एक और चीज है जिस पर लोग बातें कर रहे हैं, वो है इस फिल्म की थर्ड लीड, ये क्यूट ब्यूटी। कौन है ये, कहां से आई है, हर कोई ये जानना चाहता है। और ये बताने मैं आपके साथ हूँ। इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश जितना नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, और उसी में से एक है चुम दरांग। और यही चुम सुपरहिट बधाई हो की सीक्वल बधाई दो में राव और भूमि के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। होमोसेक्सुअलिटी जैसे बोल्ड टॉपिक के जरिए बॉलीवुड डेब्यू कर रही चुम दरांग अब तक अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जैसे एक्टर्स के साथ एड फिल्म से साइड आर्टिस्ट कास्ट होती थी, पर सालों के स्ट्रगल के बाद चुम दरांग को उनकी मंजिल मिल रही है। अरुणाचल के पासीघाट में जन्मी और पली बड़ी चुम दरांग बहुत पहले से मॉडलिंग कर रही हैं। मिस टियारा इंटरनेशनल जीतने से मिस एशिया वर्ल्ड में फिफ्थ रनर अप रहने तक उन्होंने कड़ी मेहनत से अपना नाम मॉडलिंग की दुनिया में बनाया है। हर प्लेटफॉर्म पर इंडिया का नाम उसने रोशन किया है। पर एक चीज जिससे वो भी बच नहीं सकी वो है रेसिज्म। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उनकी कॉम्पिटिटर्स उन्हें मिस चाइना पुकारती थी, तो इंडिया में भी उन्हें रेसिस्ट कमेंट मिले। इसीलिए चुम दरांग 2018 में भी सुर्खियों में रही जब मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर आई एम एन इंडियन प्लेकार्ड के साथ वो बैठ गईं। साथ में लोगों के लिए रेसिज्म दूर करने की मैसेज थी। हालांकि इस मुश्किल ने भी उनका रास्ता नहीं रोका। अरुणाचल की पहाड़ियों से गोवा के समंदर तक चुम दरांग बोल्ड रही, ब्यूटीफुल रही, फैशन फील्ड में रही, पर अरुणाचल और उनके एथनिक कल्चर को साथ लिए रखी। इसीलिए उनकी ब्यूटी में हर अरुणाचली का जुड़ाव है। मॉडलिंग के साथ एक एनजीओ भी चलाने वाली चुम दरांग एक लंबी छलांग लगा रही है। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया से निकली ये एक्ट्रेस पूरी दुनिया से कह रही है बधाई दो। मैं बधाई देने के लिए तो रेडी हूँ। आप चुम दरांग को क्या मैसेज देंगे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और नॉर्थ ईस्ट में और क्या जा सकता है जिससे यहाँ के कलाकार मेन स्ट्रीम में आए, ये सजेशन भी जरूर दीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टैलेंट्स को पूरी दुनिया के सामने रखा जाए, राज करे वो। अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही हो आपको और ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल से कनेक्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नमस्कार।